मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? होप आप सब अपने घर में खुश हो और अच्छे हो, मम्मी पापा के साथ हैप्पी, है ना? सी, पायल आंटी हैज अगेन कम विद अ वेरी नाइस वीडियो ऑफ अ व्यंजन, अ न्यू व्यंजन। बहुत सारे व्यंजन के वीडियोस पायल आंटी आपको पोस्ट कर चुकी हैं और बहुत सारे व्यंजन के वीडियोस आपको पोस्ट करेंगी, है ना? आज मैं एक नया व्यंजन लेकर आई हूँ। व्यंजन है ढ। जब हम ढ बोलते हैं तो हमारी टंग जो है वो हमारे अपर लिप्स के पास टच करती है, हमारे दांतों के पीछे। ढ ढ ढ, आप करके देखना, आप समझ जाओगे। चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ व्यंजन ढ की। एक जासूस था जिसका नाम था ढोलू। ढोलू जासूस एक बार ढा से बने शब्दों को ढूंढने निकला। कहाँ ढूंढने निकला? वो घूमते घूमते सड़क पर जा रहा था। उसको बहुत तेज भूख लगी। उसको वहां पे एक ढाबा दिखा। ढाबे पे वो जाकर बैठ गया और उसने वहां पे कुछ खाने को मंगवाया। और जब उसका भोजन आया तो वो भोजन ढक्कन से ढका हुआ था। जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें से स्वादिष्ट उसको भोजन मिला खाने को। जब वो खाना खा चुका तब उसने क्या देखा, वहाँ के कुछ लोगों ने साइड में बहुत सारे कूड़े का ढेर लगा रखा था जो ढोलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने लोगों को समझाया कि हमें कूड़े का ढेर ऐसे सड़क पर नहीं लगाना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में। फिर वो वहां से निकला, क्योंकि वो तो ढाके शब्दों को ढूंढ रहा था, उसको और शब्द ढूंढने थे। तो उसने क्या किया, वो चलता गया। रास्ते में उसको ढम 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 की आवाज आई। वो ढम ढम की आवाज किसकी थी? वो थी ढोलक की, जो ढोलू को बहुत पसंद आई। और उसने उस ढम ढम की आवाज में, ढोलक की आवाज में खूब डांस किया और उसको बड़ा मजा आया। तो ढोलू ने कौन कौन से शब्द ढूंढे? ढोलू, ढूंढना, ढक्कन, ढम ढम और ढोलक, है ना? मजेदार ये वीडियो। और आपको पायल आंटी को और आपको बहुत सारे वीडियो बताने, सॉरी शब्द बताने हैं कि ढा से और क्या क्या होता है, तो शायद मुझे नहीं पता। अपने दिमाग की बत्ती को जल्दी से जलाओ, ओपन योर ब्रेन्स एंड टेल मी, सेंड मी योर वीडियोस और ऑडियोस, आई विल बी वेटिंग। अब मैं आपको ढा लिखना सिखाती हूँ कि ढा व्यंजन कैसे लिखते हैं अपनी कॉपीज में, हिंदी कॉपीज में। ओके, लेट्स गो। माय डियर बेबीज, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि ढ अक्षर कैसे लिखते हैं, ढ व्यंजन को कैसे लिखते हैं। टिन टिन, आपको भी सुनना है, आपको भी सीखना है। यस, चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू पुट अ डेट हियर, देन क्लास वर्क। देखो टिन टिन को भी बड़ा मजा आ रहा है। फिर यहाँ पे डे, ओके। अब जैसे हमने ट लिखा था, पहले हम ट लिखेंगे, ओके। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सी जो कि लोअर लाइन को टच कर रही है, और इसको यहीं से हम घुमा के छोटा सा लड्डू बना देंगे, ओके। ये बन गया हमारा ढ, है ना टिन टिन? और इसके ऊपर छ, अगेन एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सी, ये बन गया टा, और सी में एक छोटा सा लड्डू नीचे बना दिया, ये बन गया ढ। फिर ऊपर छत, सेम वे, इट्स वेरी इजी। और जब हम इसको बना रहे होंगे, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन सी, तो हम ये नीचे से पेंसिल को उठाएंगे नहीं, उसको लड्डू को ऐसे ही घुमा देंगे सर्कल को। फिर से देखो, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन सी, और सी को ऐसे ही टर्न कर देना है, लड्डू बना देना है, और ऊपर से छत,
see it carefully like this. It's very easy and interesting. और ढ से शब्दों शब्द ढूंढने हैं और उसकी कुछ पिक्चर्स बनानी है ना. ढ से ढक्कन, ढ से ढाबा, ढ से ढूंढना, ढ से ढोलक, ढ से ढम ढम, है ना मजेदार, है ना टिनटिन, मजा आया ना. चलो आज हमने एक नया व्यंजन सीखा जो था ढ, और एक फुल पेज लिखेंगे और साथ में पिक्चर्स बनाएंगे. नाउ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय. माय टिनटिन इज सेइंग बाय 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 बाय.